नमस्कार, हिमाचल का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज की जो खास खबर है वो सुक्खू सरकार से जुड़ी हुई है। 100 दिन का ब्यौरा सुक्खू सरकार ने जो है वो सीएम सुक्खू ने जो है वो प्रेस के सामने दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जनता को बताया गया कि 100 दिनों में सुक्खू सरकार ने क्या कुछ किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने 100 दिन के कार्यकाल का तमाम जो लेखा जोखा है वो सामने रखा, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बातचीत की, जिसमें उन्होंने बात की महिलाओं को 1500 रुपए देने की, युवाओं को रोजगार की, युवाओं को पढ़ाई के लिए 1% ब्याज पर ऋण देने की, फॉरेस्ट की बात की गई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात की गई, सोलर पावर की बात हुई, इलेक्ट्रिक कार के साथ साथ कई मुद्दे ऐसे रहे जिस पर सीएम सुक्खू ने अपनी बात रखी और बताया कि 100 दिन का कार्यकाल कैसा रहा, क्या कुछ एक्शन लिए गए और आने वाले वक्त में किस तरीके से चीजें जो हैं वो होने वाली हैं, किस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट की जाएंगी या उनको लेकर आने वाले वक्त को लेकर क्या कुछ रूपरेखा तैयार की जा रही है, वो तमाम बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखी। अब उनके ये 100 दिन कितने मजबूत रहे या उन्होंने जो भी बातें रखी वो कितनी पुख्ता साबित होती हैं, वो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जो हैं वो हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या कहेंगे आप, पहली बार सीएम बने हैं, 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है सुक्खू सरकार ने और ये जो भी तमाम बातें उन्होंने कही, चाहे वो महिलाओं से जुड़ी हुई हो, नौजवान, फॉरेस्ट या फिर पावर से जुड़ी हुई हो, इलेक्ट्रिसिटी, सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई हो, कैसा लगता है आपको कि कितना बेहतर रहा है ये 100 दिन का कार्यकाल? देखिए गौतम, आगाज अच्छा है, अंजाम क्या होगा इस पर निगाहें टिकी हुई है। 100 दिन का कार्यकाल किसी भी सरकार की कार्यप्रणाली को जांचने परखने के लिए बहुत कम होता है। इस दौरान एक उंगलियां उठती हैं और उठी भी हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने इन 100 दिनों के दौरान कांग्रेस सरकार को हरी झंडी दी हो और यह कहा हो या कांग्रेस की कार्यप्रणाली को सराहा हो। विपक्ष सराहता भी नहीं, ये तो तय है। लेकिन 100 दिन के कार्यकाल में जो कदम मुख्यमंत्री ने उठाए हैं उनमें से अनेकों कदम ऐसे हैं जो प्रशंसनीय हैं। सरकार की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि सरकार लगभग प्रत्येक वर्ग के हितों का ध्यान रख रही है। सबसे पहले तो ये कि कर्मचारी वर्ग खुश है क्योंकि ओपीएस का वादा जो कांग्रेस सरकार ने किया था उसे कांग्रेस सरकार ने पूरा कर दिखाया है और 1 अप्रैल से ओपीएस जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो है 1,36,000 कर्मचारियों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे कर्मचारी वर्ग अत्यंत खुश है जी। आपको मैं बताऊं कि बजट पेश हुआ है, इसे लेकर भी सराहना की जा रही है और बजट को भी वर्ग द्वारा सराहा जा रहा है जी। मगर सबसे पहले यह देखना होगा कि क्या कांग्रेस सरकार जो वादे कर रही है या जो गारंटियां उन्होंने दी हैं उन्हें पूरा करने के लिए आर्थिक संसाधनों की पूर्ति कहां से होती है, ये देखने वाली बात है। ये पहला प्रश्न लगता है कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर और यह किसी भी सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न लग सकता है क्योंकि आर्थिक संसाधन बहुत कम है। बावजूद इसके बजट पेश किया गया है उसमें प्रत्येक वर्ग के लिए बजटीय प्रावधानों के साथ जो है वो योजनाएं आरंभ की जा रही हैं और इन योजनाओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यदि इन योजनाओं को अमली जमा पहनाया गया तो मेरे हिसाब से अब तक जो बजट मैंने देखे हैं उनमें एक सबसे अहम बजट और महत्वपूर्ण बजट जिसमें अनेकों घोषणाएं भी हैं, अनेकों वर्गों को लाभ भी पहुंचाया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया बजट पेश किया गया है और 100 दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ऐसा बजट दिया गया है जिसने समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा है। ठीक हो सर, मान लेते हैं कि उन्होंने हर एक वर्ग का ध्यान रखा है, लेकिन अगर मैं ऑपोजिशन की बात करूं तो वो नाखुश सा नजर आ रहा है, किसी भी चीज से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा और खासकर एक गारंटी की अगर मैं बात करूं 1500 रुपए की गारंटी की, जयराम ठाकुर का बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो ये आरोप लगा रहे हैं कि सुक्खू सरकार ने वादा किया था 1500 रुपए का लेकिन 350 रुपए में ही बात को निपटाया जा रहा है। देखिए गौतम, जहां तक विपक्ष की स्थिति है, विपक्ष आक्रामक है, पहले दिन से ही आक्रामक है। उसका पहला कारण ये है कि संस्थाओं को जो
पूर्व भाजपा सरकार ने चुनावों से 6 महीने पहले खोली थी, उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया है। भाजपा इसे लेकर भ्रामक है। भाजपा इसे लेकर हुई के पहली मंत्रिमंडल की बैठक बहुत देर बाद हुई, लगभग 1 महीने के बाद हुई। भाजपा यह आरोप भी लगाती रही कि राज्य सरकार या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिद्धू अपने मंत्रिमंडल का निर्धारण ही नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी बात यह कि आर्थिक संसाधनों को लेकर जो हमने कांग्रेस द्वारा किए गए या आर्थिक स्थिति को लेकर जो कहा गया कि 75,000 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं और लगभग 11,000 करोड़ रुपया जो है वो देनदारियां हैं और 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो 86,000 करोड़ रुपए की देनदारियों और कर्जों को लेकर जो कांग्रेस द्वारा बयान दिए गए उसे लेकर भी भाजपा आक्रामक थी। 1500 करोड़ का जैसा सभी जानते हैं ये संभव ही नहीं था कि प्रत्येक महिला को दिया जाए, इसके लिए रास्ते यहाँ पे वो इल्जाम ये नहीं लगा रहे हैं कि हर महिला को मिले, यहाँ पर इल्जाम वो ये लगा रहे हैं कि बात हुई थी 1500 रुपए की, दिए जा रहे हैं 350 रुपए। नहीं, ऐसा नहीं है। जिन महिलाओं को जो जो 1500 रुपए देने के लायक हैं, जिनके लिए 1500 रुपए की स्थिति रखी जा रही है, उनको 1500 रुपए ही दिए जाएंगे ऐसा तय है। नहीं, मतलब क्या उनकी बात में कहीं कोई सच्चाई है? क्योंकि अगर एक एक्स सीएम इस तरीके का बयान जो है वो खड़ा होकर विधानसभा में दे रहा है तो उसके पीछे कुछ तो बात रही होगी। क्या ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ महिलाओं को 350 रुपए या 500 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं? देखिए, इसके पीछे जो है मुख्यमंत्री ने स्वयं तर्क दिए हैं, आने वाले समय में ये ऐसा नहीं है कि ये 350 और 500 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, हमारे पास इसकी अभी तक ऐसी सूचना है नहीं। मुख्यमंत्री ने भी इस बारे में सफाई दी है कि 1500 रुपए दिए जाएंगे और बजट में भी ये घोषणा की गई है। ऐसे में हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी 1500 रुपए दिए जाने का ही प्रावधान है, देखना होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी जो है वो तथ्य पेश करने होंगे और यदि वो मीडिया के सामने ऐसे तथ्य लाते हैं तो उन्हें छुट्टियां भी मिलेगी और ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ भी जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो सर, मेरा अगला सवाल यही है कि आखिर आपके तजुर्बा क्या कहता है? आप बहुत साल आप मीडिया में रहे हैं, आपने कई बजट जो है वो पेश होते हुए देखे हैं, क्या लगता है कि और वो कौन सी चीजें आपके हिसाब से बेहतर हैं जो सुखू सरकार ने की है? देखिए गौतम, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि बजट को लेकर, बजट से भी पहले मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो ये बार बार कहा है कि वो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, उनका ये प्रयास है कि वो अधिकारियों को जो आदेश दे रहे हैं उन्हें अमली जामा पहनाना होगा, ऐसा उन्होंने सख्त संकेत दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अधिकारी वही हैं जो पूर्व भाजपा सरकार के समय थे, लेकिन अधिकारियों से काम लेना कैसे है ये सरकार तय करती है और वो सरकार ऐसा कर रही है, ये मुख्यमंत्री ने जब कहा है तो ये व्यवस्था परिवर्तन का ही एक संकेत है। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं ये कहूंगा, क्योंकि सरकारें हमेशा अब तक ये कहा जाता रहा है कि सरकारें ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं जी, अब ये कहा जाने लगा है कि सरकार जो है वो राजनेता चला रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स उनके आदेशों को मान रहे हैं, ये पहला परिवर्तन है जो 100 दिन की बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि है कि बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकायों के प्रत्येक प्रतिनिधि के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी करने का प्रयास किया है और उनके वेतन भत्तों में न केवल बढ़ोतरी की गई है अपितु दिहाड़ीदार मजदूर तक के लिए वेतन में उसकी दिहाड़ी में बढ़ोतरी की है, ये दूसरी बड़ी उपलब्धि है। तीसरी बड़ी उपलब्धि जो मैं कहूंगा वो ये है कि मुख्यमंत्री ने सब रोजगार की तरफ ध्यान दिया है। सरकार ने जो बड़ी गारंटी दी थी कि 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, तो वो सरकारी क्षेत्र में नहीं दिए जा सकते, उसके लिए सब रोज के रास्ते खोलने होंगे। उसमें मछली पालन को लेकर सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है, उसमें ट्रक चालकों को जो ट्रक चलाते हैं उनको 50%, 1 करोड़ के ट्रक पर 50 लाख की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है, मछली पालन पर 1 करोड़ पर 80 लाख तक की
सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। टैक्सी के लिए 50% सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। ये सब रोजगार को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने से अहम बात यह मानी है कि पर्यटन क्षेत्र को विकसित किया जाए, जो रोजगार दिलवाने के लिए अहम कड़ी साबित होगी। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए 100 दिन के कार्यकाल को पहचाना जाना चाहिए और पहचाना जा रहा है। जी गौतम जी सर, शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि देखा यही जाता है कि आखिर किस तरीके का अभी तक कदम उठाए गए हैं और आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ रूपरेखा तैयार सरकार कर रही है, उसी के हिसाब से उसे नापा और तोला जाता है। तो अब देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से सरकार अपने कदम उठाती है और राज्य के हित में, हिमाचल प्रदेश के हित में किस तरीके से जो है वो तमाम फैसले रंग लाते हैं।